I want to announce today, every new Jio user will get Jio's data, voice, video absolutely free. किसी चीज को मार्केट में बहुत ज्यादा बेचने के लिए उसे सबसे पहले लोगों की जिंदगी में इतना जरूरी बना दो कि उन्हें ऐसा लगने लगे कि वो उस प्रोडक्ट के बिना ठीक से जी नहीं पाएंगे। स्टीव जॉब्स के स्टेटमेंट के सहारे पिछले 5 सालों में भारत में छिड़ी टेलीकॉम वॉर में जहां जियो अकेले ही सारी जंग जीतती जा रही थी, वहीं एयरटेल ने फिर से बाजी पलटते हुए इस पूरे वार में अपनी जीत का ऐसा डंका बजाया है कि टेलीकॉम जगत में हल्ला मच गया है। लोग जो ये देखकर समझ रहे थे कि जियो ने पूरे मार्केट पर अपनी मोनोपोली थोप दी है, उस भ्रम को एयरटेल ने ऐसा तोड़ा है कि जानकर भी लोग इस बात पर भरोसा करने को राजी नहीं है कि एयरटेल इस समय भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो आखिरकार इस टेलीकॉम वार में जहां जियो बनाम जीरो का खेल चल रहा था, वह एयरटेल ने कैसे जियो को फिर से दौड़ में पीछे छोड़ते हुए बोला कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वो साल था 2016, जब लोग एकाएक लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आने लगे। अरे नहीं नहीं, हम बात एटीएम की लाइन और मोदी जी के जादू वाले डी मोनेटाइजेशन की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डी मोनेटाइजेशन से कुछ महीने पहले आए जियो नाम के एक ऐसे रिलायंस प्रोडक्ट की जो आने वाले समय में लोगों को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाला था, वो भी अंबानी की माने तो बिल्कुल मुफ्त। इसी मुफ्ती में शामिल था फ्री अनलिमिटेड 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री मैसेज। और लोगों ने अपने अपने मोबाइल के सेकंड स्लॉट में एक जियो सिम को लगा लिया और साथ ही एक दूसरे के नाम के आगे जियो लगाकर सेव करने लगे, जैसे मिस्टिका जियो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोगों को डर था कि जाने कब ये सुविधाएं बंद हो जाए और उन्हें नंबर बदलना पड़ जाए। खैर वो अंबानी है और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उसने अपने कस्टमर्स को ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जिनके लोग इतने करीब आ गए थे कि अब उससे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, तभी तो भारत को 2017 में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डेटा यूज करने का अवार्ड मिला। इसके बाद तो फिर जियो ने पलट कर देखा ही नहीं। बिखरे हुए टेलीकॉम बाजार में एक ऐसा व्यापारी आ गया था जो अपनी दुकान तो चला ही रहा था, उसके साथ ही साथ दूसरे के काम भी बंद करवा रहा था क्योंकि सारे ग्राहक बाकी सारी कंपनियों की जगह जियो को चुन रहे थे। इसीलिए बाकी सारी कंपनियां जैसे डोकोमो, टेलीनॉर, एयरसेल, ये सब एक साथ बर्बाद हो गई। कभी भारत के युवाओं का प्रेम मसीहा बना एयरसेल जाने कब अपनी सारी संपत्ति और स्पेक्ट्रम बेचकर भाग गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। यही हाल वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का भी हुआ और अंततः उन्हें एक दूसरे के साथ आकर VI नेटवर्क बनाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इस कहानी में हमने एयरटेल की बात क्यों नहीं की, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एयरटेल बिना घबराए इस रेस में कछुए वाली चाल चल रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि एयरसेल, टेलीनॉर और डोकोमो जैसी कंपनियां बर्बाद हो चुकी थी और बर्बादी के साथ ही इनके ऊपर कई 100 रुपए का कर्ज भी लद गए थे, इसीलिए उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और वहीं एयरटेल ने जियो के खिलाफ अपनी पहली चाल चली, वो ये थी कि उसने इन सारी नेटवर्क कंपनियों के शेयर्स और स्पेक्ट्रम्स को मुफ्त में अपने नाम करा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुफ्त में कैसे, तो हुआ कुछ यूं कि एयरटेल ने इन कंपनियों के आगे शर्त रखी कि अगर वो अपना सब कुछ एयरटेल के नाम कर देते हैं तो एयरटेल उनके ऊपर चढ़े सारे कर्ज का भार खुद ले लेगा। चूंकि कर्ज बहुत ही ज्यादा था और कंपनी पहले दिवालिया हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें शर्त माननी पड़ गई। अब डील का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वो ये था कि एयरटेल के पास अब नेटवर्क के स्पेक्ट्रम ज्यादा हो गए। स्पेक्ट्रम ज्यादा होने के क्या मायने, वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार हर नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी के स्पेक्ट्रम या फिर ग्रीन सिग्नल कह लीजिए, उसे नीलाम करके बेचती है। चूंकि उन कंपनियों के स्पेक्ट्रम भी एयरटेल में शामिल हो गए, इसीलिए एयरटेल का सिग्नल और नेटवर्क अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतर हो गया। इसी वजह से एयरटेल एक वक्त में वो अपने एड्स दिखाने लगा था जिसमें वो ये कहते थे कि हम दावा करते हैं कि हमसे तेज कोई नहीं। एयरटेल 4G चैलेंज, इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। एयरटेल ने इस स्पेक्ट्रम के खेल के अलावा जो दूसरी और सबसे अहम चाल चली वो थी
अपना खुद का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिससे लोग एक बार जुड़े तो फिर उन्हें वहां से जाने का मन ही ना करे, जैसा कि जियो ने पहले ही कर लिया था। जियो टीवी, सिनेमा, जियो मोबाइल, जियो फाइबर को साथ में जोड़कर इसी राह पर चलता हुआ एयरटेल भी ग्राहकों को एयरटेल टीवी, पेमेंट बैंक, एयरटेल एक्सट्रीम और एयरटेल फाइबर जैसी सुविधाएं देने लग गया। और अपनी सुविधाओं में लगातार सुधार के कारण 2020 का लॉकडाउन एयरटेल के लिए वो समय साबित हुआ जब एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड या कहले वाईफाई कनेक्शन को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एयरटेल के एक्सट्रीम बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी शहरों के लोगों के लिए खास पेशकश ही थी, क्योंकि एयरटेल ने समय रहते ये समझ लिया कि देश में अब एक बड़ा तबका OTT प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। इसीलिए उन्होंने अपने DTH पर ज्यादा फोकस ना करते हुए एक्सट्रीम बॉक्स पर फोकस किया, जिसमें उनका प्राइम, नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी हॉटस्टार जैसी बड़ी बड़ी OTT कंपनियों के साथ टाई अप है, जिस वजह से लोग बड़ी आसानी से अपने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को घर पर ही TV पर देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बड़ी दुनिया, TV चैनल्स, वेब सीरीज दोनों। इस तरह हम देखें तो एयरटेल ने बड़ी चालाकी के साथ थोड़ा सा घाटा सहते हुए भी खुद को मार्केट में पहले तो जिंदा रखा। और आज आलम ये हो चुका है कि एयरटेल अपने 34 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ इस टेलीकॉम वर्ल्ड में पहले नंबर पर राज कर रहा है, तो वही जियो के पास 32 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और वो इस लिस्ट में एयरटेल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस तरह टेलीकॉम की इस दौड़ में एयरटेल जिस तरह आगे निकला है उसमें उसने लोगों को फ्री जैसी फेक बात नहीं की, वो बस अपने नेटवर्क सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा रहा। खेल का अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उसे पता था कि बॉल चाहे कितनी भी ऊपर क्यों ना मार लो, सिक्स सिर्फ बाउंड्री पार करने पर ही मिलता है। वैसे आप ये वीडियो किस कंपनी के डेटा की मदद से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये भी कि एयरटेल की रणनीति आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको वाकई पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को जरूर लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।